हो सकता है इस वजह से आज भी दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे थे, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पांच चरण के चुनाव के बाद अचानक से अब कई ऐसी बातें सामने आने लगी है। दो चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन इससे पहले हार जीत का फैसला और हार जीत को लेकर के कयासबाजियां चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी अभी एक खबर हमारे सामने आ रही है, जब हमारे रिपोर्टर्स ने तेजस्वी यादव से पूछा तो उन्होंने हाजीपुर से चिराग पासवान के हार की बधाई दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान हाजीपुर से हार रहे हैं और ये रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनको हार की बधाई दी और कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत किया है, हम आपको बताते हैं कि हाजीपुर में जो परिस्थितियां हैं, जो चुनाव हुए हैं, उसके आंकड़े तो हमने आपको दिए ही हैं, लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अधिकांश विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के पास हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का दावा क्या कहता है। आपको बता दें कि जब वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में जो छः विधानसभाएं हैं उसमें अगर हाजीपुर की बात करें तो 2019 में यहाँ 55.67% मतदान हुए थे, तो वहीं हाजीपुर में 58.18% मतदान 2024 में हुए हैं, यानी कि लगभग 3% 2.5% के आसपास यहाँ बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं लालगंज की बात करें तो यहाँ भी 55.81% मतदान हुआ था 2019 में, इस बार 58.79 हुआ है, यानी 3% की बढ़ोतरी यहाँ भी नज़र आ रही है। महनार की बात करें तो यहाँ वोटिंग हुई थी 2019 में 58.54, लेकिन इस बार घट करके 56.63 हो गया है। वहीं अगर महुआ की बात करें तो महुआ में 2019 में 57.59 हुआ था, इस बार 60.33 हुआ है, यानी लगभग 3% के आसपास यहाँ भी वृद्धि हुई है। राघोपुर की बात करें तो यहाँ 51.83% मतदान हुआ था 2019 में, इस बार 58.3% हुआ है, यानी कि यहाँ पर लगभग 7% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और यह राघोपुर क्षेत्र तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, ये भी एक कारण हो सकता है। वहीं राजापाकड़ की बात करें तो यहाँ 56.03% 2019 में हुआ था और राजापाकड़ में 58.79% हुआ था, लगभग 2.5% के आसपास यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर के जहाँ एक तरफ चिराग पासवान काफ़ी उत्साहित थे, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने उनकी तो हार की ही बधाई रिजल्ट से पहले ही दे दी है, यानी 4 जून को परिणाम आएगा उससे पहले कहीं ना कहीं पेपर लीक हो गया है, और ये बातें आप खुद सुन लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यहाँ तक कि काराकाट को लेकर के भी और गया को लेकर के भी बहुत सारी बातें अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा का पूरा दाव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना उनकी बातों की सब में सच्चाई है, लेकिन जो बातें की कही है उसे कहीं ना कहीं मामला को उलझा जरूर दिया है तेजस्वी यादव ने। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। पवन सिंह ने इस्तीफा देते बीजेपी से हटा दिया है पार्टी से। ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना है, तो भाजपा का मैटर है, उसका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी गतिविधि उसमें क्या टिप्पणी, प्रसाद सर तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की, हो सकता है इस वजह से आज भी दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग कुशवाहा जी को हराने के लिए। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और जो पांचवे छठे फेज तक चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारक हो। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे थे, कोई मैनेजमेंट नहीं कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे कहीं भी, पोलिंग बूथ तक नहीं, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार गए और भाजपा के लोग ही हारा, और भी लोग हैं जो हरा थे। कौन क्या बोला आप देखे नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं रुक रहे हैं तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है, और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश
दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में रात में और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। आपका इशारा अधिकारियों की तरफ है या फिर नेताओं की तरफ? नॉर्मल ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।